से राम नाम राम रहिए। जैसे राम नाम राम रहिए बाबा बोलना क्या कहिए, बाबा बोलना क्या कहिए। संत मिले किछ सुनिए कहिए, संत मिले किछ सुनिए कहिए। मिले असंत मस्त कर रहिए, मिले असंत मस्त कर रहिए, मस्त कर रहिए बाबा बोलना क्या कहिए, बाबा बोलना क्या कहिए। जैसे राम नाम राम रहिए, जैसे राम नाम राम रहिए बाबा बोलना क्या कहिए, बाबा बोलना क्या कहिए। बोले चखमारी, मूर्ख सो बोले चखमारी, बोले चखमारी बाबा बोलना क्या कहिए, बाबा बोलना क्या कहिए। जैसे राम नाम राम रहिए, जैसे राम नाम राम रहिए बाबा बोलना क्या कहिए, बाबा बोलना क्या कहिए। बोलत बोलत बड़े विकारा,
करे बिचारा बाबा बोलना क्या कहिए बाबा बोलना क्या कहिए जैसे राम नाम राम रहिए जैसे राम नाम राम रहिए बाबा बोलना क्या कह कबीर छूछा काट बोले कह कबीर छूछा काट बोले भरिया होए सो कब डोले भरिया होए सो कब हूँ डोले कब हूँ डोले बाबा बोलना क्या कही बोलना क्या जैसे राम नाम राम रहिए जैसे राम नाम राम रहिए बाबा बोलना क्या बाबा बोलना क्या कहिए बाबा बोलना क्या कहिए जैसे राम नाम अब रही संत मिले संत मिले कछ सुनिए कहिए मिले असंत भस्त कर रही बाबा बोलना क्या कहिए बाबा बोलिए पत होए बाबा बोलिए पत होए उत्तम से दर उत्तम कहिए बाबा बोलना क्या कहिए जित बोलिए पत पाइए क्या कहिए फेर के अग्गे रखिए फेर के अग्गे रखिए जित दिशे दरबार मुँह के बोलन बोलिए मुँह के बोलन बोलिए क्या सेव कमाऊं क्या सेव कमाऊं क्या कहे रिझाऊं मुँह के बोलन बोलिए
सुन तरे प्यार जित बोली है पत पाई है जित बोली है पत पाई है सो बोलिया परवान भक्तों का बोलिया परवान है भक्तों का बोलिया परवान है दरगे पवे थाए भगत मुखे ते बोल दे परवान है बाबा बोलना क्या कहिए भगत का बोलिया परवान है दरगे पवे था भगत मुखे ते बोल दे से बचन होंदे प्रकट पहारा जाप दे प्रकट पहारा जाप दे तिहो लोक सुनंदे भगत मुखे ते बोल दे जित बोलिए पत पाइए सो बोलिया परवान फिक्का बोल वे गुच्चना फिक्का बोल वे गुच्चना नानक फिक्के बोलिए तन मन फिक्का हो नानक फिक्के बोलिए तन मन फिक्का हो तन मन फिक्का हो फिक्को फिक्का सदिये फिक्के फिक्की सो फिक्का करके सुतिये फिक्का दरगे सुती है फुक्का फिक्के पाए फिक्का मूर्ख आखिए फिक्का मूर्ख आखिए एक फिक्का न गलाए एक फिक्का न गलाए सबना में सच्चा धनी सबना में सच्चा धनी फिक्का मूर्ख आखिए पान ले सजाए फिक्का मूर्ख आखिए फिक्का बोल विगुचना सुन मूर्ख फिक्का बोल विगुचना सुन मूर्ख मन आदान शुभ बचन बोल सुन मूर्ख शुभ बचन बोल गुण अमोल शुभ बचन बोल शुभ बचन बोल गुण अमोल फिक्का न गलाए फिक्का मूर्ख आखिए जित बोलिए पत पाई सो बोलिया परवान मिठ बोलड़ा जी मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा हो सुमल थकी जी हो कदे न बोले कौड़ा एक फिक्का न
दे न भोले कौड़ा, कौड़ा बोल न जाने, कौड़ा बोल न जाने पूरन भगवान, कौड़ा बोल न जाने खूब तेरी पगड़ी, खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल, मीठे तेरे बोल बाबा, बाबा बोलना क्या कहिए। ए बाबा जबान मिली है बोलने लगी, जे जबान बोलने ना ना बोलन वाले नू लोग बेजबान आखदे ने। एक शंका प्रतीत हुंदा है, पता नहीं इंदे मुंह विच जबान है जा नहीं, क्योंकि बोलना ही तो जबान दी होंद दा प्रतीक है। जबान मिलिए बोलन लई, जबान दा होर कोई फंक्शन नहीं, इसलिए बोलना ते है ना। मैं की देखना कई जबाना ऐसा बोल दिया ने, ऐसा बोल दिया ने उन्हां दा बोलिया होया सुनन लई सारा संसार चौगिरदे इकट्ठा हो जांदे। उन्हां दी जबान तो बोलिया होया हर एक लफज इओ नजर आंदा जिवें दूजियां दे हिरदे विच अमृत बन के रसदा जा रहा है। हजूर ने बाणी विच गुरु दे बोलन संबंधी एक गल आखी, कह लगे अमृत बचन, अमृत बचन सतगुर की बाणी, अमृत बचन सतगुर की बाणी, जो बोले सो मुख अमृत पावे, बाणी उच्चरे साध जन, बाणी उच्चरे साध जन, अम्यो चले चरने। साधु जन बोलते ने मानो जबान का दिए एक तरह का अमृत का चश्मा चल पैंदे, बोल सुन के लोगों के कन सफल हुंदे ने, हिरदे पवित्र हुंदे ने। ते कई बार बोलिया इन्ना महान हुंदा है सदियां बीत जांदियां ने, पर किसी व्यक्ति का बोलिया संसार तो खत्म नहीं हुंदा, सदियां बाद भी उस बोले नू लोग सुनना चाहते ने, उस बोले नू लोग पढ़ना चाहते। पर कई लोग ऐसे भी ने जेड़े बोलते ने ते एना फिक्का बोलते ने, एना कौड़ा बोलते ने कि उन्हां दा बोलिया कन्ना नू सुनना पाउंदा ही नहीं। हजूर ने बाणी विच ऐसे लोगां दे बोलन संबंधी भी एक गल आखी, कहन लगे माथे त्रिकुटी, माथे त्रिकुटी दृष्टि करूर, माथे त्रिकुटी दृष्टि करूर, बोले कौड़ा जे बाकी फूर, बोले कौड़ा जे बाकी फूर। कुछ लोग ऐसे ने जेड़े फिक्का बोलते ने, कौड़ा बोलते ने, जदों उन्हां दी जबान खुलदी है उन्हां दी जबान तो निकली हुई कड़त्तन दूजे दे हिरदे विच भी कड़त्तन पैदा कर जांदी है। इउं संसार अंदर लोगां विच आपसी कड़त्तन पैदा हुंदी है। दुनिया दा प्यार, संसार दी नफरत
बहुत कुछ उसका जबान दे बोलन ते निर्भर है। जेडे मिठा बोलन वाले ने उस संसार विच प्यार पैदा कर लेंदे ने, हित पैदा कर लेंदे ने, ते जेडे कौड़ा बोलन वाले ने वो दुनिया अंदर नफरत ते कुड़त्तन पैदा कर लेंदे ने, क्योंकि जो कुछ जबानों निकलता है वो दूजे दे हिरदे ते असर करदे। इसलिए गुरु नानक ने फिक्का बोलन वाले नूं मुखातब करके गलाखी कहन लगे, नानक फिक्के बोलिए तन मन फिक्का होए, फिक्को फिक्का सदिए फिक्के फिक्की सोए, फिक्का गर्गे सुटिए मुंह थुक्को फिक्के पाए। कहन लगे दुनिया के लोगो, जिन्ना दी जबान फिक्की है ते फिक्का ते कौड़ा बोलन वाले रब दी दरगाह विच प्रवान नहीं हुंदे, उन्हें सुट दिता जांदा है। क्यों? क्योंकि रब मिठा है। हजूर ने बाणी विच आख्या, गुसाई महिंदा इठड़ा अम अब्बे छावो मिठड़ा, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा। अगे जाके कहंदे ने कौड़ा बोल ना जाने, क्योंकि रब कौड़ा बोल नहीं जानता, रब मिठा है, इसलिए मिठा रब जेड़ा है वो किसे दी कौड़ी गल सुन नहीं सकता। बाबा फरीद जी ने रब दी मिठास दे संबंध विच एक गल आखी, कहन लगे फरीदा, शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो माजा दुध सबे वस्तु मिठियां रब ना पुजन तो। कहन लगे संसार दियां सारियां मिठियां वस्तुआं इकट्ठियां कर लवां, पर हे मेरे रब, उन्हां दी मिठास तेरी मिठास दे बराबर नहीं पुजदी। तू एना मिठा है ते एनी मिठास दे घर विच भला कुड़त्तन किवें जावे। इसे लई कौड़ा बोलन वाले लोग, फिक्का बोलन वाले लोग रब दी दरगाह विच थां नहीं प्राप्त करदे। गुरु नानक ने आख्या, कहन लगे, फिक्का दरगे सुती है मुंह थुक्का फिक्के पाए, फिक्का मूर्ख आखी है पान ले सजाए। ते बाबा फरीद जी ने एक होर गल आखी, कहन लगे, एक फिक्का ना गलाए। कहन लगे, हे मनुख, जे तेरे कुल कुछ भी सियानप है ता फिक्का बोल बोल ना, क्योंकि तेरे फिक्का बोल बोलन नाल किसे दे हिरदे नू दुख पुजदा है, ते देख हर हिरदे विच रब वसदा है। जदों तू अपने फिक्के ते कौड़े बोलन नाल दूजे दा दिल दुखाएगा, समझ लई तू रब नू परेशान कर रहे। एक फिक्का ना गलाए सबना में सच्चा धनी, हियाओ ना कहीं ठाए मानिक सब अमोल वे। कहन लगे, हर हिरदा एक कीमती लाल है, इसलिए अपने कुड़त्तन ते फिक्के बोलन नाल किसे दा दिल ना दुखा। कहन लगे, चंगे मनुख ते माड़े मनुख दी परख करनी होवे, किसे चंगे इंसान भले पुरुष महात्मा पुरुष दी पछाण करनी होवे ते किसे बुरे पुरुष कुकर्मी इंसान दी पछाण करनी होवे, हंकारी मनुख दी पछाण करनी होवे, ते कहन लगे उंदी गुफ्तार तो, उंदी गुफ्तगू तो, उंदे बोल चाल तो पता कीता जा सकदा। हजूर ने बाणी विच आख्या, भाई साहब भाई गुरदास जी ने तो एक एग्जाम्पल दिती, कहन लगे, आया सुनिया बिदर दे, आया सुनिया बिदर दे बोले दुर्योधन होए रुखा। कहन लगे, दुर्योधन ने सुनिया कि भगवान कृष्ण बिदर दे घर आए ने, भगवान कृष्ण नु मुखातब करके रुखा बोलन लगा, कौड़ा ते फिक्का बोलन लगा। आखन लगा, हे भगवान, मैं ते तुहानू राजा समझिया सी कि तुसी महान हो, पर तुसी जदों बिदर दे घर आए हो ते इस बोरी ते बैठ के अलूना साग खा के खुशी प्रतीत कर रहे हो, मैनू तुहाडियां राजे वालियां आदतां नहीं नजर आईयां, जो मखमली सेजां ते लेटन वाले ते चंगे भोजन छकन वाले हुंदे ने। रुखा बोल दे, तुहाडी आओ भगत लई, तुहाडे सत्कार लई इन्ने इन्ने वड्डे लोग
खलोते सन पर तुसी उना दी प्रवाह ना करके गरीब बिदर दे घर आ गए। ए गल सानू चंगी नहीं लगी, क्यों फिक्का बोल रहे। पर भाई साहब भाई गुरदास जी ने कुछ अगलिया लाइना में जाके आखिया, अक्सर दुनिया अंदर देखी जा किसी नाल फिक्का बोलो ते बदले में फिक्का ही बोलिया जाए, पर जिन्हां दे अंदर फिक्कापन होवे ना पड़तन होवे ना वो किवें फिक्का बोलन। उनका नतीजा ए सी दुर्योधन फिक्का बोल रहा है पर बदले विच भगवान कृष्ण फिर हस के बोल रहे हैं। भाई साहब कहते सुनिया बिदर दे बोले दुर्योधन होए रुखा कर असाडे छड़ के गोले दे कर जाए के सुखा भीष्म द्रोण करन तज सुबह शिंगार बड़े मानुखा चुकी जाए बलाई उन सबना दे जी अंदर तुखा हस बोले भगवान जी। भगवान कृष्ण फिर हस के बोल दे, मुस्कुरा के बोल दे, क्रोध विच फिक्का नहीं बोल दे, पड़तन विच नहीं बोल दे। ये और निशानी है चंगे पुरुष दी ते माड़े पुरुष दी, हंकारी पुरुष दी ते निम्रता वाले पुरुष दी। ये हजूर ने बाणी विच मनुखता नु एक सेध दित्ती, कहन लगे जे दुनिया अंदर प्यार पैदा करना चाहने, जे संसार विच सांझ पैदा करना चाहने, ता एक दूजे ते कुड़त्तन भरे लफज ना बोल, कुड़त्तन खत्म कर दे। जे तेरी जबान तो कुड़त्तन खत्म हो जाए किसी के हिरदे तक कुड़त्तन पहुंचेगी, संसार मिठा हो जाएगा। ते जे तू मिठा बोलना छाड़ दिता फिक्का ते कौड़ा बोलता रहे तो यकीन कर संसार अंदर नफरत पैदा कर लेगा, नफरत दुनिया अंदर सांझ तोड़ दिंदी है, दूरिया ते कुड़त्तन पैदा कर दी है। गुरु नानक ने अपनी रसनिया तो बाबा कबीर जी की जबान ते बैठ के बड़ा सुंदर ते पवित्र उपदेश दिता है। कहते ने बाबा बोलना क्या कहिए, बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम राव रही है, जैसे राम नाम राव रही क्या कही।